प्रश्न उठाते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन क्या ऐसा कर रहा है जो कि लोगों के जीवन में कोई योगदान दे रहा है, तो लोग कहते हैं कि आप हरे कृष्ण आंदोलन में कीर्तन बड़ा बड़ा करते हो, प्रवचन बड़ा बड़ा देते हो, लेकिन समाज के लिए क्या करते हो? आपके इस हरे कृष्ण आंदोलन में इस सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई हॉस्पिटल नहीं खोलते आप लोग, कोई स्कूल नहीं चलाते, कोई वृद्ध लोगों की देखभाल नहीं करते, कोई गरीब लोगों को पढ़ाते नहीं आप जाके, तो कुछ समाज के लिए क्यों नहीं करते हैं आप लोग? तो प्राय ऐसा प्रश्न रहता है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा है, जीव अभय प्रदानस्य, जिसका अर्थ है कि हर जीव 84 लाख योनि के अंदर भय के अंदर रहता है, यानी कि वो भय से ग्रस्त है। आप एक चिड़िया को दाना चुगते देखेंगे तो वो चिड़िया दाना चुगती है, और दाना चुगते वक्त ऐसा नहीं कि जैसे आप अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाते हैं, वो चिड़िया जब भोजन करती है तो ऐसे नहीं करती, वो एक दाना चुगती है और फिर दाएं बाएं भी देखती है, फिर दूसरा दाना चुगती है, फिर दाएं बाएं देखती है, क्योंकि उसको डर है कि कोई उसको आके मार ना दे, कोई उसको आके उससे बड़ा शक्तिशाली प्राणी उसे खा ना ले। वो चिड़िया भी भयभीत है। एक हिरन को जंगल में चलता देखें तो वो हिरन जंगल में जब चलता है तो ऐसा नहीं कि वो जंगल में चलता हुआ सब कुछ भूल के बड़े आनंद में उस जंगल के सात्विक वातावरण का आनंद ले रहा है, वो चलते हुए हमेशा दाएं बाएं आगे पीछे देखता रहता है, हर क्षण बड़ा सतर्क रहता है और हर आहट के ऊपर बड़ी सतर्कता बरतता है, और ये जानता है कि कहीं अगली आहट उस शेर का वो शिकार ना बन जाए, उसको डर रहता है, भय रहता है। पूरी 84 लाख योनियों के अंदर आप देखेंगे तो सभी योनियों में ये भय है, एक डर है। तो चाहे हम मनुष्य जीवन से निम्न योनि की बात करें, पशु पक्षी आदि, लेकिन मनुष्य जीवन में भी कितनी हम व्यवस्था अपने जीवन में क्यों ना करें, घर बनाएं सुरक्षा के साथ कि हमारी उससे सुरक्षा होगी, हम संपत्ति भी अर्जित करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं ये सोचते हुए कि पैसा हमको बचाएगा, हम अपना परिवार बढ़ाते हैं, अपने मित्र बनाते हैं, अपने संबंधी बनाते हैं, ये विचार करते हैं कि ये हमारे मित्र परिवार के गण रिश्तेदार आदि हमको सुरक्षा देंगे। हम नाना प्रकार की व्यवस्था अपने जीवन में करते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो हम क्यों इतनी सब व्यवस्थाएं अपने जीवन में करते हैं, क्यों अपने आप को इतना सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करते हैं? क्योंकि हम सब के जीवन में एक डर है, एक भय है कि कल हमारा क्या होगा, ये शरीर धीरे धीरे वृद्ध हो रहा है, इसकी कौन देखभाल करेगा, हम इस शरीर को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारे स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं, हमारे परिवार के सदस्यों का क्या होगा, या फिर हमारी आय का साधन बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, हमारा बिजनेस चलता रहेगा कि नहीं, हमारी जो नौकरी है वो बनी रहेगी कि नहीं बनी। तो कई प्रकार की चिंताएं हर व्यक्ति को हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो किसी भी प्रकार की संस्कृति का पालन करने वाला हो, किसी प्रकार की जीवन शैली को जीने वाला हो, हर व्यक्ति इस डर के अंदर है कल को उसके साथ क्या होगा।
तो चाहे समाज के अंदर कई समाज सेवी संस्थाएं, कई लोग निस्वार्थ भावना से कोई गौशाला चलाते हैं, कोई अन्नदान करते हैं, कोई स्वास्थ्य के लाभ हेतु कोई चैरिटेबल डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल चलाते हैं, लेकिन जब हरे कृष्णा के ऊपर ये प्रश्न किया जाता है, आप समाज के लिए क्या करते हैं, तो ये हरे कृष्णा आंदोलन जो है ये बना है लोगों के जीवन से, उनके जीवन में जो डर है उसको दूर करने के लिए। तो अगर ये प्रश्न किया जाए कि आप हरे कृष्णा भक्त क्या प्रैक्टिकल करते हो सोसाइटी के लिए, तो हम लोगों को भय मुक्त जीवन जीना सिखाते हैं कि कैसे भय से मुक्त होके वो निर्भय जीवन जी सकें। ये जो कला है ये हरे कृष्ण भक्त सिखाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम।